सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पीछे का ये सीन देख के आप कुछ गेस कर सकते हैं कि मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ। एनी गेस? चलिए कोई नहीं, मैं आपको खुद बताती हूँ कि मैं हूँ इस टाइम पे गोवा में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगी कि अगर आप गोवा आ रहे हैं तो आपको किन किन प्लेसेस पे विजिट करना चाहिए। एक्चुअली मैं साउथ गोवा में रुकी हूँ, कोलवा बीच के पास। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि साउथ गोवा के बेस्ट प्लेस कौन कौन से हैं, और इस वीडियो के मैं टू पार्ट बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ साउथ गोवा के प्लेसेस के बारे में कवर करूंगी, एंड सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ नॉर्थ गोवा के प्लेसेस के बारे में कवर करूंगी। वीडियो में लगातार मेरे साथ जुड़े रहना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए घूमते हैं गोवा। आप गोवा फ्लाइट या ट्रेन से इजीली पहुंच सकते हैं। मैं फ़्लाइट से गोवा पहुंची थी, और गोवा में दो एयरपोर्ट हैं। फर्स्ट है गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सेकंड मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मेरी फ़्लाइट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी, और एयरपोर्ट से आपको जैसे होटल तक जाना है ना, तो आपको ईजिली प्रीपेड टैक्सी एयरपोर्ट पर मिल जाएंगी। मैं प्रीपेड टैक्सी के थ्रू होटल पहुँची थी। मैंने द गोल्डन क्राउन होटल एंड स्पा में स्टे किया था, जो कि साउथ गोवा में कोलवा बीच के पास में है। साउथ गोवा में अगर आप स्टे करेंगे ना, तो साउथ गोवा कम क्राउडेड है कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा, और साउथ गोवा में आपको फॉरेनर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको रिजॉर्ट वगैरह भी काफ़ी सुंदर सुंदर से मिल जाएंगे। तो कम क्राउड होने की वजह से आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और मैं इस होटल में रुकी थी, यहाँ के जो कमरे हैं काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन थे, और यहाँ की सर्विस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। होटल में चेक इन करते करते मुझे इवनिंग हो चुकी थी, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद मैं निकल पड़ी कोलवा बीच घूमने के लिए, जो कि होटल से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर ही पड़ता है। और कोलवा बीच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है, और आप यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी सारे बीच रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ से आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं। मैंने कोलवा बीच में पावर पैराग्लाइडिंग भी की थी, और साथ ही साथ सनसेट को भी इंजॉय किया। गोवा में पावर पैराग्लाइडिंग आप ओनली कोलवा बीच पर ही इंजॉय कर सकते हैं। आप अगर गोवा आ रहे हैं ना, तो आपसे मैं बोलूँगी कि एक बार पावर पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस ज़रूर कीजिएगा, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। कोलवा बीच के पास ही कोलवा मार्केट भी है, जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स अवेलेबल हैं, जहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ से आप खाना खा सकते हैं। रात में डिनर मैंने कोलवा मार्केट के एक रेस्टोरेंट में ही किया था। नेक्स्ट डे मैंने होटल में ही ब्रेकफास्ट किया था, जो कि पूरा बुफे था, उसमें बहुत सारी वैरायटी थी। अच्छे से नाश्ता करने के बाद मैं सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू निकल पड़ी साउथ गोवा के और प्लेसेस को कवर करने के लिए।
गोवा में आप सेल्फ ड्राइविंग कार, स्कूटी, बाइक इजीली रेंट पर हायर कर सकते हैं। गोवा में कई जगहों पर आपको व्हीकल हायरिंग शॉप्स मिल जाएंगी जहां पर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग गाड़ी को हायर कर सकते हैं, और कार का जो रेंट होता है वो कार के अकॉर्डिंग होता है। मैंने डिज़ायर कार हायर की थी जिसका रेंट पर डे मुझे 1300 रुपये पड़ा था। सबसे पहले मैं गई पेरोलम बीच, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज़ को भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे बीच रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ से आप टेस्टी खाना भी खा सकते हैं। और ये बीच ना बहुत ज़्यादा सुंदर है, यहाँ पे आप बहुत सुंदर सुंदर सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं और साथ ही अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। पेरोलम बीच पे खूब सारी मस्ती करने के बाद मैं पहुंची बटरफ्लाई बीच पे, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ का पानी काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन था और यहाँ पर लोग भी मुझे काफ़ी कम दिखे। यहाँ पर पहुंचने के लिए आपको पेरोलम बीच से आप ट्रैक करके भी पहुंच सकते हैं या फिर आप फेरी के थ्रू भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 400 से 500 रुपये के करीब पड़ेगा। और यहाँ पर जाके आप खूब सुंदर सुंदर सी इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। बटरफ्लाई बीच देखने के बाद मैं गई गालगीबागा बीच देखने के लिए, जो कि पेरोलम बीच से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ये बीच टर्टल नेस्टिंग के लिए फेमस है, बट मुझे टर्टल तो यहाँ पर एक भी नहीं दिखाई दिए। बट ये बीच काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, नीट एंड क्लीन है। साउथ गोवा के जो भी बीच हैं ना, सारे भी बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन और काफ़ी ज़्यादा सुंदर बीच हैं कम्पेयर टू नॉर्थ गोवा। गालगीबागा बीच पे कुछ देर रुकने के बाद मैं निकल पड़ी बेताल बेतिम बीच के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच है। यहाँ का जो सैंड है वो वाइट सैंड है, साथ ही ब्लू पानी, और यहाँ पर आपको 90% फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जाके आप फील करेंगे कि आप इंडिया में नहीं हैं, इंडिया के कहीं बाहर ही आ चुके हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे बीच रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ पर आप टेस्टी खाने को इंजॉय कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नॉर्थ गोवा के प्लेसेस के बारे में बताऊंगी। तो मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और बहुत ज़्यादा एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।